उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को जिताने के लिए पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जनसभा से आसपास के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए एक माहौल बनाया। कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा में चुनाव लड़ रहे ममता बनर्जी की टीएमसी के नेता के इंटरव्यू में दिए गए जवाब का चुनाव आयोग को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और वहां के मतदाताओं को भी अपने वोटों से जवाब देना चाहिए जो बंटवारे की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में चुनाव के 2 चरणों से सामने आ रही 4 बातों से घोर परिवारवादी चारों खाने अभी से चित्त हो गए हैं। यूपी लोग रंगों की होली 10 दिन पहले ही मनाएंगे। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही धूमधाम से रंगों की होली मनेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन देकर देश को बचाया है, इसलिए वैक्सीन के लिए दुष्प्रचार करने वालों को वोट की चोट से करारा जवाब दीजिए। वो बचाएगा वो सच्चा साधी है, जो गुमराह करेगा वो अवसरवादी है। पहले भूख से मौतें होती थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन मिल रहा है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।